नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन पाकिस्तान को उधेड़ने के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक स्पेशल हथियार को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है और इस हथियार के दम पर यदि भारत के दुश्मन पानी में भी छुप जाएंगे तो हमारी भारतीय आर्मी उनको पानी में डुबो डुबो कर मारेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डीआरडीओ के इस स्पेशल हथियार के बारे में। तो दोस्तों इसका नाम है WHAP अर्थात व्हील्स आर्मर्ड प्लेटफॉर्म और हिंदी भाषा में आप सीधे पर इसको एक चलता फिरता हथियारों का जखीरा भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इसमें इंडियन आर्मी के सोल्जर भी आसानी से बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा ये भारी भरकम गोला बारूद को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है, इसको पानी में भी चलाया जा सकता है और पानी में यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जबकि जमीन पर यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसमें एक 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा हुआ है जिससे पहाड़ी इलाकों में आसानी से कठिन से कठिन चढ़ाइयों पर भी चढ़ जाता है और वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करता है। और दोस्तों यदि हथियारों की बात करें तो इसमें 30 मिलीमीटर की एक तोप लगी हुई है। इसके साथ ही कई सारे रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर और मशीन गन भी इसमें फिट करी गई है। इसके बेसिकली तौर पर डीआरडीओ के द्वारा 6 मॉडल बनाए जाने हैं, जिनमें से प्रत्येक मॉडल की अपनी अलग काबिलियत होगी। कुछ मॉडल हथियारों को ढोने के काम आएंगे तो कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चलेंगे, जिनको भारतीय सैनिक मीलों दूर से बैठकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे भारतीय सेना बिना दुश्मन के गढ़ में घुसे मात्र इसी हथियार के द्वारा दुश्मन को उसी के क्षेत्र से खदेड़ सकती है। और दोस्तों इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि स्पेशली माइन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा, जो कि दुश्मन की बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा और एक स्पेशली तौर पर होगा मिसाइल और रॉकेट फायर करने के लिए। और दोस्तों WHAP के जितने भी मॉडल हैं, भारत की टाटा कंपनी भारतीय आर्मी के लिए इनको मैन्युफैक्चर कर रही है, जिनमें से कुछ की संख्या में ये भारतीय हथियार भारतीय सेना में शामिल भी हो चुके हैं। खैर दोस्तों, आप सभी की डीआरडीओ के इस घातक हथियार के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को ऐसे हथियार और बनाने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।